सीबीआई कोर्ट के समक्ष माफिया आती के बेटे उमर ने किया सरेंडर। 12 लाख का इनाम था मोहम्मद उमर अहमद पर। पूर्व सांसद माफिया आतिक अहमद के फरार चल रहे 2 लाख के इनामी बेटे मोहम्मद उमर अहमद ने आज 23 अगस्त 2022 को लखनऊ सीबीआई कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया। मोहम्मद उमर अहमद काफ़ी समय से फरार चल रहे थे और उसके ऊपर 2 लाख का इनाम घोषित था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। कुमार के ऊपर लखनऊ के रियल इस्टेट व्यापारी मोहित अग्रवाल को अगवा कर देवरिया जेल से ले जाने और मारपीट कर करोड़ों की संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप दर्ज है। उसे एक कस्टडी में ले लिया गया है। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने कुमार को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुडिशियल कस्टडी के दौरान मोहम्मद उमर अहमद को 23 अगस्त 2022 को आरोप पत्र या संबंधित सुनवाई में पेश किया जाएगा। बता दें कि इसके पहले माफिया आतिक का छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर कर चुका है और अपने नए सेंट्रल जेल की हवा खा चुका है। प्रयागराज से दिलबर हबीब की खास रिपोर्ट।